हेलो एवरीवन सो टुडे वी विल लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन लास्ट वीडियो वी रेड अबाउट कमर्शियल बैंक राइट कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन टू बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स बट ये जो डेफिनेशन है कमर्शियल बैंक की बहुत ही लिमिटेड सी है कमर्शियल बैंक इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है आज हम उन्हीं फंक्शंस की बात करने वाले हैं अगर हम कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को कैटेगराइज करें देन ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज आज का हमारा फोकस पॉइंट है प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन मीन्स दोज फंक्शंस फॉर विच कमर्शियल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल बैंक क्यों लाया गया था कमर्शियल बैंक लाने के पीछे रीज़न ही यही था कि वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सके एंड बिजनेसिस को लोन या जिनको नीडी पीपल है उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके तो यही प्राइमरी फंक्शन है दैट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन एडवांसिंग लोन मीन्स लोन प्रोवाइड करना मोर ओवर दैट बैंक वेरियस वेज में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है इट मीन्स वो कस्टमर को कई ऑप्शंस देता है जनरल पब्लिक अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग से उस ऑप्शन को चूज कर सकती है एंड उस अकॉर्डिंग बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट करवा सकती है वन ऑफ दीज अकाउंट्स आ फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट दैट इज एफ डी यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म राइट इन दिस अ फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड देन बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है यूजली जो फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट आपको दिया जाता है वो हाई रेट का होता है जब भी कोई पर्सन बैंक में एफडी करवाता है तो बैंक उसे एक रिसिप्ट देता है जिसपे ऑल डिटेल अबाउट एफडी रिटर्न होती है वो डॉक्यूमेंट या वो रिसिप्ट नॉन ट्रांसफरेबल होती है इट मीन्स उस रिसिप्ट पर सिर्फ उसी पर्सन का राइट है वही पर्सन उस एफ से पैसा ले सकता है जिसका नेम मेंशन है जिसके अकाउंट से एफ बनी है एंड अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो बीच में ही अपनी एफ़ ख़त्म करवा ले तो बैंक उससे कुछ चार्जेस लेता है एंड आफ्टर दैट वो सारा अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज़ करंट अकाउंट ऐसे अकाउंट यूजुअली बिजनेसमैन ओपन करवाता है करंट अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आप अगेन एंड अगेन मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं एंड मनी निकलवा सकते हैं बैंक एक तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक आपको ऐसे अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देता है इवन अगर एक मिनिमम अमाउंट से नीचे आपका अमाउंट हो जाता है तो बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी लेगा जिसे हम सर्विस चार्ज बोलेंगे मनी अगर आपको निकलवाना है तो आप चेक के थ्रू निकलवा सकते हो और जो मनी इसमें डिपॉजिट होता है उसे डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक कहते हैं डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक का मतलब है जब भी कोई कस्टमर डिमांड करेगा कोई कस्टमर मींस जिसका अकाउंट है बैंक में तो वो पर्सन जब भी डिमांड करेगा मनी की तो बैंक को वो देनी पड़ेगी इसलिए बैंक के लिए लाइबिलिटी है लाइबिलिटी मीन्स कर्जा है तो जो मनी ऐसे अकाउंट में डिपॉजिट होता है उसे बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक डिमांड मतलब जब भी डिमांड की तभी पे करनी पड़ेगी जबकि जो एफ होती है वो थी टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक उसे टाइम लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं क्योंकि एक लिमिट है बैंक के पास एफडी तो एक महीना एक साल दो साल छः महीने एक टाइम पीरियड के बाद चुकाने हैं तो एक टाइम पीरियड अवेलेबल है बैंक के पास इसलिए एफ को कहा जाता है टाइम लाइबिलिटी ऑफ द तो बैंक बट करंट अकाउंट को कहा जाता है डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द तो बैंक यानी एक ऐसी लाइबिलिटी है जो कभी भी डिमांड की जा सकती है थर्ड टाइप इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ये वो अकाउंट है जो हम सब का यूजली बैंक में ओपन होता है जहाँ हम हमारे स्मॉल सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करवा कर आते हैं बैंक इस पर इंटरेस्ट पे करता है बट ये इंटरेस्ट काफ़ी स्मॉल अमाउंट का होता है जैसे कि अगर हम बात करें जो बैंक्स हैं फोर परसेंट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं मनी डिपॉजिटेड इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक ऐसा ही होता है ना हम कभी भी बैंक जाकर अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं तो बैंक को तो हमने डिमांड की मनी की और बैंक को तभी लाइबिलिटी बैंक ने हमारा पैसा रख रखा है तो बैंक के लिए तो लाइबिलिटी ही है बैंक को एक ना एक दिन तो हमें पैसा देना है तो बैंक के लिए लाइबिलिटी ही होती है इसलिए इसे डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक कहा जाता है फोर टाइप इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रिकरिंग मीन्स रिपीटिटिंग जो रिपीट होता है कंटिन्यूसली ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करवाते हैं वो भी एक फ़िक्स टाइम इंटरवल के बाद लेट्स ईच मंथ ईच क्वार्टर आफ्टर ईच सिक्स मंथ्स दिस मनी कैनॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म जितना भी टर्म फिक्स थी आप उससे पहले इस ऐसे अकाउंट से पैसा नहीं निकलवा सकते एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशन अगर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत आ जाती है कुछ कंडीशन उनको छोड़कर इन पर भी जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो हाई रेट का होता है जैसे कि एफ डी पर हाई रेट का मिलता है इस पर एफ डी से थोड़ा और हाई भी हो सकता है एज एफ डी दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक क्योंकि बैंक के पास टाइम अवेलेबल है फिफ्थ टाइप इज मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ये सेविंग बैंक अकाउंट ही होते हैं बट जब भी इन अकाउंट में एक लिमिट से ऊपर पैसा चला जाता है तो वो पैसा ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिस पर बैंक इंटरेस्ट देता है और वो इंटरेस्ट भी हायर रेट का ही होता है सेम एज एफ टी साथ ही साथ बैंक हमें एक और फैसिलिटी देता है सपोज करो आपने एक चेक जो है किसी कस्टमर के नाम इशू कर दिया आपके सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं था बट बिकॉज बैंक एक्स्ट्रा मनी फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर देता है अब चेक आपके बैंक से गया तो बैंक फिक्स डिपॉजिट से अमाउंट को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है जस्ट टू गिव ऑनर टू योर चेक इन दिस वे अ कस्टमर कैन अरन मोर इंटरेस्ट एंड इट लोअर द रिस्क ऑफ डिसऑनरिंग अ चेक कैस वन यानी कि चेक बाउंस भी नहीं होगा क्योंकि बैंक ने एक फैसिलिटी दी ना कि अगर सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो आपकी एप डी से पैसा निकाल कर सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन विच बैंक परफॉर्म इज एडवासिंग लोन्स बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उस मनी के वो दो पार्ट कर देता है एक पार्ट तो वो रिज़र्व में रख देता है जो आर ने गाइडलाइन दी होती है और जो दूसरा पार्ट होता है वो उसे एज अ लोन प्रोवाइड करता है टू अदर पार्टीज जैसे बैंक डिपॉजिट अलग अलग तरीके से करता है उसी तरीके से बैंक लोन भी अलग अलग तरीके से देता है फॉर एग्ज़ाम्पल कैश क्रेडिट इन दिस बैंक प्रोवाइड लोन टू बोरोवर आफ्टर कीपिंग सम सिक्योरिटी अब किस बोरो को कितना अमाउंट लैंड किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि बैंक उस बोरअर के बारे में क्या राय रखता है उसकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक की जाती है मींस कि वो पैसा वापस देगा या नहीं दे, देगा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक किया जाता है सेकंड इज़ ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट पर एक फैसिलिटी है इस फैसिलिटी सिर्फ ट्रस्टवर्ती कस्टमर ही अवेल कर सकते हैं वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए सपोज़ करो अगर आपके अकाउंट में टेन थाउजेंड रुपीज़ हैं तो बैंक आपको ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ तक विड्रॉ करने की परमिशन दे रहा है आपके बैंक में तो टेन थे आप निकाल ट्वेल्व रहे हो एंड बैंक आपको अलाउ कर रहा है तो जो ये टू थाउजेंड रुपीज़ हैं इसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है और ये फैसिलिटी सिर्फ ट्रस्टवती को दी जाती है एंड ये शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है यानी कि बहुत छोटे टाइम पीरियड के बाद ही एक बोरोअर को यह मनी डिपॉज़िट करवाना होता है थर्ड टाइप इज़ डिमांड लोन डिमांड लोन मीन्स ऐसे लोन जो बैंक कस्टमर को तो दे देता है बट कस्टमर से कभी भी डिमांड कर सकते हैं मुझे लोन रिटर्न कर दो और ऐसे लोन सिक्योरिटी पर दिए जाते हैं किन की सिक्योरिटी जैसे अगर आपके पास कुछ एल की इन्वेस्टमेंट है या पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ हैं सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स हैं आपके पास तो आप वो बैंक को देकर एज अ सिक्योरिटी आप लोन ले सकते हो फोर्थ इज़ टर्म लोन्स ये ऐसे लोन है जब आपको बैंक लोन देता है फिक्स पीरियड के लिए जिससे बोरो कुछ परचेज कर सकता है लाइक मशीनरी ट्रक स्कूटर इवन हाउस और जो बोरो है इस लोन को रीपे करता है इंस्टॉलमेंट्स में लाइक ई एम आईज दैट इज़ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हर महीने जो किस्त भरी जाती है बैंक को क्योंकि बैंक से लोन लिया होता है वो टर्म लोन का एक एग्ज़ाम्पल है अब जो ये किस्त भरी जाती है मंथली भी हो सकती है क्वार्टरली भी हो सकती है हाफ ईयरली भी हो सकती है एंड एनुअली भी हो सकती है फिफ्थ टाइप इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है जब कोई बिजनेसमैन उधार पे सामान बेचता है तो वो एक लिखत में ले लेता है इट मीन्स वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेता है जिस पे कोर्ट की स्टैंप होती है एंड सारी डिटेल लिखी होती है एंड देन जिसने गुड्स परचेज़ की होती है ना उधार पे उसके सिग्नेचर करवा लेता है तो वो प्रूफ रहता है अब अब बिजनेस क्या करते हैं उसे पैसे की अभी ज़रूरत है बट सामान तो उधार पर बिके तो वो डॉक्यूमेंट को ले उस डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को लेकर वो बैंक जाएगा बैंक को वो डॉक्यूमेंट देगा सपोज़ करो फाइव थाउजेंड रुपीज़ का डॉक्यूमेंट था तो बैंक उसको कुछ डिस्काउंट कट कर करके लाइक हंड्रेड टू हंड्रेड और फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो जितना भी अमाउंट बनता है वो बैंक को दे आ, उस पर्सन को दे देगा जिसका वो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि जिसका वो डॉक्यूमेंट था इससे क्या होगा बिजनेस को इमीडिएट पेमेंट मिल गई है ना एंड जब टाइम पीरियड कम्प्लीट हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट का तो बैंक उस कस्टमर से डायरेक्टली पेमेंट को रिसीव कर लेता है रीड

कस्टमर के बिहाफ पर काफ़ी पेमेंट्स भी करता है और अमाउंट को कलेक्ट भी करता है सपोज करो कुछ आपने प्रीमियम पे करना है टैक्सेस पे करने हैं तो ऑन बिहाफ़ ऑफ कस्टमर वो पे कर देगा आपको कुछ चेक कलेक्ट करने हैं रेंट कलेक्ट करना है तो बैंक वो सर्विस भी देता है तो ये बैंक का एक सेकेंडरी फंक्शन हो जाता है एजेंसी फंक्शन सेकेंड इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी बैंक कस्टमर के बिहाफ पर सिक्योरिटी सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स शेयर्स को खरीदता है या बेचता है थर्ड इज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर इन दिस फंक्शन इफ कस्टमर गिव इंस्ट्रक्शन टू बैंक देन बैंक में बी ट्रस्टी ट्रस्टी मीन्स कस्टमर ने अपनी एसेट बैंक को दे दी बैंक जो है उसे यूज़ करेगा जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स जो कस्टमर है उसके लिए विल वगैरह प्रिपेयर करना तो ये काम भी बैंक्स uh, करते हैं कुछ फोर्थ इज रिमिटांस ऑफ मनी इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बैंक वन बैंक टू अनदर बैंक तो ये काम भी सेकेंडरी uh, फंक्शन करते हैं जिसे हम बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं फिफ्थ इज़ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज मीन्स जो फॉरन की करेंसी है आप कभी फॉरन की करेंसी को परचेज करना चाहते हो सेल करना चाहते हो तो ये भी कमर्शियल बैंक वर्क कर। नेक्स्ट पॉइंट इज लेटर ऑफ रेफरेंस इन दिस बैंक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर कस्टमर टू ट्रेडर्स एंड ऑल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर फॉर देयर कस्टमर यानी कि बैंक ट्रेडर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कस्टमर के लिए कस्टमर को अगर जानना हो कुछ ट्रेडर के बारे में और कस्टमर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर को अगर ट्रेडर जानना चाहता है कस्टमर के बारे में कस्टमर कितना रिलायबल है ट्रस्ट है क्रेडिट वर्थिनेस एंड और सेवेंथ पॉइंट इज़ बैंक ड्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फैसिलिटी मनी कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड फॉर दैट बैंक चार्ज सम कमीशन एंड ये कमीशन हर बैंक का अपना ही होता है इवन अगर कस्टमर के अच्छे रिलेशन है बैंक के साथ तो बैंक विदाउट फी भी बैंक ड्राफ्ट इशू कर देता है इन दिस बैंक एक ड्राफ्ट इशू करके देता है एंड जैसे ही बैंक ड्राफ्ट इशू करता है वैसे ही आपके अकाउंट से वो अमाउंट कट कर ली जाती है जिस भी पर्सन को वो अमाउंट रिसीव करनी होती है दैट इज़ पेई तो पेई क्या करेगा उसी ब्रांच में जाएगा उसी बैंक के किसी ब्रांच में जाएगा एंड वो ड्राफ्ट दिखाएगा एंड बैंक को देगा ड्राफ्ट और उसके अमाउंट में अकाउंट में वो अमाउंट आ जाएगी ये बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं अनलाइक चेक्स चेक्स थोड़े अनसिक्योर्ड होते हैं क्योंकि चेक से जो पेमेंट कटती है बैंक में वो तब कटती है जब पे ही चेक लेकर जाता है बट जब डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है आपके अकाउंट से तभी पेमेंट कट जाती है तो इससे बाउंस वाली सिचुएशन नहीं रह जाती जैसे चेक बाउंस हो जाते हैं सो बैंक ड्राफ्ट आर यूज फॉर रिमेटिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैंक चार्जेस सम कमीशन एंड ये बहुत ही लेस रिस्की होते हैं क्योंकि चेक बाउंस या डिसऑनर होने के चांसेस नहीं रहते हैं एट पॉइंट इज़ बैंकर्स चेक ये भी बैंक ड्राफ्ट है बस ये लोकली काम करते हैं जब एक ही टाउन के अंदर जब काम करना होता है इन टू बैंक्स तो उसे बैंकर्स चेक कहते हैं अदर वर्क परफॉर्मेंस ये भी वैसे ही करते हैं बस इसमें कमीशन जो है बैंक ड्राफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी फंक्शन इज़ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो है लॉकर फैसिलिटी बैंकर लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को जहाँ कस्टमर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स uh, या फिर ज्वेलरी को रख सकता है सेकेंड इज़ ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट जब कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो कैश को कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और कैश लॉस होने की सिचुएशन भी रहती है तो ऐसे सिचुएशन में बैंक जो है ट्रैवलर चेक इशू कर देता है टू तो कस्टमर जिससे कस्टमर को कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के टाइम पर यूज़ होता है इसमें बैंक कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बाई गिविंग गारंटी बैंक कस्टमर की गारंटी लेता है कि ये पर्सन रिलायबल है पेमेंट कर देगा तो लेटर ऑफ क्रेडिट दूसरे बैंक को इशू कर दिया जाता है जिससे एक कस्टमर इजिली गुड्स को इम्पोर्ट कर सकता है एंड द थर्ड वन इज़ बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टेटिस्टिक बैंक आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस सो इन दिस वे बैंक कैन हेल्प देयर कस्टमर इन फाइनेंशियल मैटर्स एज वेल सो दैट्स इट फॉर टुडे होप यू अंडरस्टैंड टूडेज़ लेक्चर थैंक यू